हाय, वेलकम। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि आज मैं साइंस की अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इन सम सेंस मैंने अपनी वेबसाइट साइंस से मोटिवेट होकर ही स्टार्ट करी थी, और आज उसका पहला लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कौन हैं? आप कह सकते हो कि मैं गौरव हूँ या मैं सोनल हूँ, आप अपना नाम बता सकते हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन उससे थोड़ा डीप है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कहाँ से आए हो? अब इसका जवाब आप ये दे सकते हो कि भाई मैं सैन फ्रांसिस्को का रहने वाला हूँ या मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि आप इस धरती पर कहाँ से आए हो। बेहतर आंसर इन पिछले दो सवालों का ये हो सकता है कि भाई मैं अपने माँ बाप का बच्चा हूँ, और मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। लेकिन उसमें मेरे को फिर ये सवाल आता है कि उनको किसने जन्म दिया? तो आप कहोगे कि भाई मेरे दादा दादी ने जन्म दिया, लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन है कि आपके दादा दादी को किसने जन्म दिया? और यहाँ से हम इस क्वेश्चन पर आते हैं कि आखिर धरती पर लाइफ चालू कैसे हुई? क्या इसके कई आंसर हो सकते हैं? एक पॉसिबल हाइपोथेसिस ये है कि इस धरती पर पहले सबसे पहले एक आदमी और एक औरत रही होगी, जिसके कि हम सब बच्चे हैं। ये एक पॉसिबल हाइपोथेसिस है। दूसरी हाइपोथेसिस ये है कि भाई कोई शुरुआत नहीं है, लाइफ इस प्लेनेट पर हमेशा से ही रही है। जैसे कि नंबर लाइन पर आप नंबर देखोगे, वो 1, 0, -1, -2, -∞ तक जाते हैं, उनका कोई ख़त्म नहीं है। इसी तरह लाइफ भी हमेशा से रही है, उसकी कोई शुरुआत और कोई ख़त्म नहीं है। ये भी एक हाइपोथेसिस है। क्या सही है क्या नहीं, ये अभी हम नहीं जानते, लेकिन इवेंचुअली हम अपनी साइंस की सीरीज़ में देखने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है, लाइफ कैसे शुरू हुई भी या नहीं हुई, ये हम देखेंगे। यही सिमिलर सवाल प्लेनेट अर्थ के बारे में मैं पूछ सकता हूँ कि क्या प्लेनेट अर्थ जो है इसका कोई बर्थ डेट है? क्या कभी ऐसा कोई टाइम था जब अर्थ नहीं थी, या फिर अर्थ हमेशा से यहाँ रही है? और यही सिमिलर क्वेश्चन आप और चीज़ें जो आप अपने आसपास देखते हो, सन, मून, सितारे, उन सब के बारे में पूछ सकते हो। आखिर जो आप अपने आसपास ब्रह्मांड देखते हो, यूनिवर्स देखते हो, क्या वो कभी शुरू हुआ था या फिर वो हमेशा से यहाँ पर है? ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आता है दिमाग में। और एक बार आप ये सब सवाल पूछना चालू कर देते हो, इन सवालों का कोई अंत नहीं है। इनफैक्ट क्वेश्चन एक दूसरे में उलझते जाते हैं और इंसान परेशान हो जाता है। इनफैक्ट फिलोसफिकल क्वेश्चन फिर ये भी आने लगते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और जब डेथ होती है तो क्या होता है, क्या मैं सितारा बन जाता हूँ? ये सब बहुत ही डिस्टर्बिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं नॉर्मल लाइफ में। या गॉड, कई लोग गॉड में आंसर ढूंढते हैं। उनका कहना ये होता है कि भाई मुझे भगवान ने बनाया और मेरे जीवन का पर्पस बहुत सिंपल है कि मुझे अच्छे काम करने हैं। ये बहुत ही रीजनेबल आंसर है, और इस आंसर से कई लोगों को हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये आंसर अभी भी इनकम्प्लीट है। ये कह देने से कि मुझे गॉड ने बनाया और मेरी लाइफ का पर्पस अच्छा काम करना है, क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड रह गया है, आंसर अभी भी नहीं मिला मुझे। क्योंकि सपोज मैं ये मान लेता हूँ आपको गॉड ने बनाया, तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि फिर गॉड को किसने बनाया? क्या गॉड का कोई बर्थ डेट है? क्यों, अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं गॉड तो शायद हमेशा से ही रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ट्रू है तो फिर यही बात इंसान के लिए भी ट्रू हो सकती है कि फिर इंसान ही हमेशा से होगा। अगर अगर गॉड इनफाइनाइट टाइम तक हो सकते हैं जिनको किसी ने नहीं बनाया, तो फिर इंसान को किसी ने नहीं बनाया, मतलब सेम आर्ग्यूमेंट इंसान के लिए भी ट्रू होता है। तो अगर आप और बेसिकली क्या गॉड जो हैं, जो कि क्या उनके अपने कोई भगवान है, और अगर हैं तो फिर उनके भगवानों के भगवान का क्या? तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है। साइंस की बात करते हैं। साइंस इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो दे पाता है, कुछ के आंसर वो नहीं दे पाता। क्वेश्चंस अगर क्वेश्चंस बहुत वेल प्रिपेयर्ड हों, क्वेश्चंस के आंसर निकालना संभव हो, जैसे कि ये क्वेश्चन कि क्या अर्थ यहाँ पर हमेशा से है या कभी पैदा हुई थी, इस क्वेश्चन को आप मेजर कर सकते हो, देख सकते हो और बता सकते हो इसका कंक्रीट आंसर।
इसको भी आप देख सकते हो कि मैं चंद्रमा जब देखता हूँ तो उसके शेप क्यों चेंज होती है हर महीने पर, कभी वो पूरा दिखता है जलता हुआ, कभी एकदम अंधेरा हो जाता है, पूर्णमासी से अमावस्या तक आखिर होता क्या है? ये साइंस आंसर कर सकता है। साइंस ये नहीं आंसर कर सकता है कि क्या भगवान है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, ये सब क्वेश्चन साइंस नहीं आंसर कर सकता और ये हम कवर भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं। एनीवेज, साइंस क्या है? वेल, साइंस अगर मैं बहुत बड़े टर्म्स में बात करूँ तो साइंस है हमारे यूनिवर्स की स्टडी। हम अपने यूनिवर्स के जिन रूल्स पर यूनिवर्स वर्क करता है उन रूल्स को नापना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और उन पर थ्योरी लिखना चाहते हैं कि जिससे कि हम समझ पाएं कि यूनिवर्स के रूल्स जिन पर यूनिवर्स वर्क करता है वो क्या हैं। और साइंस बेसिकली एक कलेक्टिव एफर्ट है, इंसानों का मिला जुला एफर्ट है, सब एक दूसरे की मदद करके एफर्ट कर रहे हैं कि हम अपने आसपास जो नेचुरल फिनोमिनन होते हैं जैसे कि सोलर एक्लिप्स होता है, बिजली कड़कती है, ये सब जो फिनोमिनन हम देखते हैं उन्हें हम एक्सप्लेन कर पाएं कि वो क्यों हो रहे हैं और यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जो साइंटिफिक साइंस की अगर मैं हिस्ट्री देखूं उसमें आता है, वो है जब आइजैक न्यूटन ने 16th सेंचुरी में ग्रेविटेशन की थ्योरी पब्लिश करी थी। और वो बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था क्योंकि उससे पहले कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स इंक्लूडिंग गैलीलियो इस पर काम कर रहे थे कि प्लैनेट्स आखिर चलते कैसे हैं। वन ऑफ द लीडिंग थ्योरीज उस समय, एक थ्योरी ये थी, बिलीव इट और नॉट, कि प्लैनेट इसलिए चलते हैं कि उनके पीछे एक एंजल होता है जो कि उड़ता रहता है और अपने पंख और पंख फड़फड़ाता हुआ वो उड़ता रहता है और प्लैनेट को लेकर वो चलता है। ऑब्वियसली इस थ्योरी में ये प्रॉब्लम थी कि एंजल दिखता ही नहीं था हमें। तो न्यूटन भी इस प्रॉब्लम पे काम कर रहा था और जब उसने फाइनली ग्रेविटी निकाली, ग्रेविटी की थ्योरी उसने दी, तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो न्यूटन ने डेमोन्स्ट्रेट की वो ये कि यूनिवर्स जो है वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल तरीकों से वर्क करता है, जिन वो कुछ रूल्स फॉलो करता है जो कि नहीं तोड़ता यूनिवर्स, और उन रूल्स को हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और उन रूल्स के बारे में हम थ्योरी लिख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, उसने ये दिखाया कि आप और मैं पेंसिल पेपर और थॉट से, सिर्फ सोचकर हम ये निकाल सकते हैं कि प्लैनेट्स कैसे एक दूसरे के अराउंड मूव करते हैं। और फॉर एग्जांपल हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगला सोलर एक्लिप्स कब होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप क्वेश्चन ये आता है कि ये सब तो ठीक है भाई, हम क्यों केयर करें साइंस की? इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जुलाई 20, 1969, मुझे नहीं पता आपको, क्या आप जानते हो इस डेट को क्या हुआ? उस डेट को एक आदमी एक ल्यूनर मॉड्यूल में से उतरा, एक एयरक्राफ्ट में से उतरा और उसने ये शब्द बोले, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। इंसान के लिए ये बहुत छोटा कदम, इंसानियत के लिए बहुत लंबी छलांग। इस शब्द का इन श, ये शब्द नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बोले थे जब वो अपना पहला कदम चंद्रमा पर रख रहा था। इमेजिन करो इस इवेंट की सिग्निफिकेंस। हमारे एंसेस्टर्स आज से कुछ हजार साल पहले जंगलों में रहते थे, हंटर्स थे। रात को जब वो आते होंगे वापस, आग जलाकर बैठते होंगे, तो वो रात में जब चंद्रमा को देखते होंगे तो वंडर करते होंगे कि वो क्या है, क्या वो कोई भगवान है जो हमारे फेट को और हमारे भाग्य को देख रहा है, और उन्हें वो कितना अमेज करता होगा, और उसकी शेप रात को रोज चेंज होना। और कुछ हजार साल बाद हमने एक स्पेसशिप बनाया, उसे उड़ाया और जो है चंद्रमा पर जाकर एक इंसान भेज दिया हमने और वहाँ से फ़ोटो खींच के लाए। अपोलो 11 मिशन के कुछ फोटोग्राफ ये हैं। ये फ़ोटो है बज एल्ड्रिन की, जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खरीदी है, खींची है, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको वाइजर में दिख रहा है, और ये ल्यूनियर मॉड्यूल भी यहाँ पर जिसमें वो गए थे वो दिख रहा है। थोड़ी दूर से ल्यूनर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर, ये चंद्रमा की सतह है और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग फोटो खींच रहा है, ये उसकी शेडो। देख रहे हो कैसा धरती जैसा लगता है चंद्रमा? क्या ये नहीं, बस बस स्काई ब्लू नहीं है क्योंकि एटमॉस्फियर नहीं है, काला काला है, लेकिन है तो धरती जैसा ही। और आह, ये हमारी धरती जो चंद्रमा से दिखती है। दिस इज आवर होम, यहाँ रहते हैं हम और यहाँ से हम चंद्रमा को देखते हैं।
ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है। कैसे हो पाया ये संभव? हिंदू साइंस कैसे हो पाया भाई? साइंस की मदद से हम ये फिगर आउट कर पाए कि हम हवाई जहाज कैसे उड़ाएं। चिड़िया उड़ते हुए हमने देखी थी, लेकिन हम कैसे उड़ें ये हमने फिगर आउट किया। हमने ये निकाला कि यहाँ से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है। हमने ये निकाला कि कितना बड़ा हवाई जहाज बनाना पड़ेगा, उसमें कितना पेट्रोल डालना पड़ेगा कि हम चंद्रमा पर जा पाएं। क्वेश्चन, क्या हम ये सब कर पाते अगर हमें यही नहीं समझ आता कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, या हमारे पास साइंस नहीं होती? नहीं होता ऐसा। दैट्स वाई आपको केयर करते हैं साइंस की। और कई एग्जाम्पल मैं दूँ। एक और बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ये कि अगर यूनिवर्स कुछ लॉज फॉलो करता है, अगर कुछ रूल फॉलो करता है यूनिवर्स, तो अगर आप उन रूल्स को समझ जाओगे, उनसे आप दोस्ती कर लोगे, तो उनको अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो। मान लो आप चेस खेल रहे हो, ठीक है, और एक प्लेयर है जिसको रूल्स नहीं पता, वो बस रैंडम पीस रख रहा है, और आप हो जो कि रूल समझते हो चेस के, कौन लगता है आपको जीतेगा उस गेम में? ऑब्वियसली वो जो रूल समझता है। हमने पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लिया, तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है। हमारे घरों में बिजली है, आज रात जब होती है तो अंधेरे से हमें डर नहीं लगता, हमें दिखता है। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की पूरी थ्योरी आती है। सेल फ्रीली, मतलब वन ऑफ एक बहुत पुराने ज़माने में इंसान को ऐसा लगता था कि धरती जो है सपाट है, और अगर आप ओशन में बोट रखकर तैरोगे, नाव रखकर तैरोगे, तो इवेंचुअली जब आप तैरते जाओगे तो एक लिमिट के बाद आप बस टपक जाओगे। और इसलिए कई लोग जो है दूर सेल ही नहीं करते थे ज़्यादा, क्योंकि उन्हें दिखता था कि भाई दूर सपाट जो है ओशन है और उसके आगे कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली वो गिर जाते होंगे वहाँ से। तो थॉट एक्सपेरिमेंट से, और ये हम देखेंगे अगले कुछ लेक्चरों में कि कैसे बस बैठे बैठे इंसान ने ये थ्योरी निकाली कि नहीं, शायद धरती गोल है, इसके ऐसा हमें लग रहा है, और उसका साइज इतना है, ये भी हम देखेंगे। एनीवेज, साइंस की मदद से एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि हमने मेडिसिन में, दवाइयों में बहुत प्रगति की है। हमें काफ़ी अच्छी समझ है कि हमारी खुद की बॉडी किस तरह काम करती है, और हमने कई तरीके की दवाइयाँ निकाली हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा लंबा जी पाते हैं। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है पेनिसिलिन का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, और अगर ये सही टाइम पर नहीं डिस्कवर होती तो कई जान जाती। एक और बहुत बड़ा रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, आज से 66 मिलियन साल पहले इस धरती पर डायनासोर्स की भरमार थी। वो बहुत ही हेल्दीली जी रहे थे, और बहुत सारे डायनासोर थे इस प्लैनेट पर। एक दिन करीब 66 मिलियन साल पहले बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती पर गिरा, और उससे और वो बहुत सारे न्यूक्लियर वॉर जितनी एनर्जी उसने जनरेट की, और सारे डायनासोर्स वाइप आउट हो गए धरती पर से। आज भी ऐसा हो सकता है, लेकिन चांसेस कम हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद ये है कि नासा और अदर स्पेस एजेंसीज जिनके कि यान अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं, उनसे हम बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती की तरफ आ रहा है, और शायद हम कुछ स्टेप्स ले पाएँ, इंक्लूडिंग कि हम जो है रॉकेट छोड़ दें उस एस्टेरॉयड पर और उसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें, या फिर हम केव में चले जाएं। मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा एक दिन हम सो के उठेंगे और देखेंगे अरे एस्टेरॉयड आ रहा है, मर गए। तो दैट्स हाउ साइंस हेल्प्स अस, इस तरह साइंस हमारी हेल्प करता है। एक और बहुत बड़ा फैक्ट, और मुझे बहुत डिप्रेसिंग लगता है ये फैक्ट, हो सकता है आप नहीं फाइंड करें, कि जैसे सूरज है, हमने बहुत स्टडी करने के बाद अब हम जानते हैं कि सूरज एक सितारा, एक स्टार है, और स्टार्स कैसे रोशनी देते हैं, कैसे जलते हैं भाई, वो कैंडल की तरह जलते हैं, और उनमें खुद में फ्यूल भरा होता है, सन में हाइड्रोजन फ्यूल है जो कि वो जलाते हैं, जिनकी वजह से वो जलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी एनर्जी सोर्स होगा वो एक दिन रन आउट कर जाएगा। हमारा सूरज भी अनफॉर्चुनेटली और चीज़ों की तरह रन आउट कर जाएगा, और हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज से 10 बिलियन साल बाद ऐसा होगा। ऑब्वियसली अगर सन बुझ जाएगा तो प्लैनेट पर, अर्थ पर लाइफ प्रोबेबिलिटी 1 के साथ ख़त्म हो जाएगी। मतलब फंडामेंटली आज से 10 बिलियन साल बाद प्लैनेट अर्थ पर हम नहीं होंगे, ये नोन है। अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई उससे तो बहुत पहले हम बहुत तरीके से अपने आप को मार लेंगे, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा,
पानी सारा हम खत्म कर देंगे या फिर कोई बहुत बड़ा डिजीज हो जाएगा, वो बातें ठीक है, लेकिन सपोज आप सर्वाइव कर गए तो सूरज ही बुझ जाएगा। तो एक आर्ग्यूमेंट जो कि बहुत लॉन्ग फेस्ट आर्ग्यूमेंट है, आई एग्री, ये भी है कि इवेंचुअली हमें प्लेनेट अर्थ छोड़नी है, बिलियन साल बाद छोड़नी है, लेकिन हमें छोड़नी है। तो हमें एटलीस्ट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम और जगह देखें कि यूनिवर्स में और कहाँ कहाँ पर लाइफ सस्टेन हो सकती है, जिससे कि हम वहाँ पर जा पाएँ, एडवांस इतने हो जाएं कि हम वहाँ पर जा पाएँ जहाँ पर लाइफ सस्टेन हो सके। हो सकता है ऐसे और कई प्लैनेट्स हों जहाँ पर कि अर्थ जैसी कंडीशन हो, वहाँ पानी हो, वहाँ भी एक स्टार हो और हम वहाँ पर जा पाएंगे तो लाइफ कंटिन्यू रहेगी, प्लैनेट अर्थ नहीं रहेगा बस। तो अब तक साइंस ने हम क्या डिस्कवर किया है, इसकी बात करते हैं। साइंटिफिक एवोल्यूशन की, मतलब साइंस की टाइमलाइन हम देखते हैं। तो जब मैं साइंस की हिस्ट्री पढ़ता हूँ खूब सारी, तो मैंने ये बात नोट की है कि खूब सारा साइंस डिस्कवर हुआ था करीब 500 से 200 BC के बीच में, और ये वो रीजन था जहाँ ग्रीस और इजिप्ट हैं आज। उस रीजन में बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे कि एरिस्टोटल, प्लूटो, पाइथागोरस, सोक्रेटिस, ये सब, और आर्किमिडीज, ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म लिया था। वो पीक था ग्रीस, ग्रीक सोसाइटी और इजिप्शियन सोसाइटी का। उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिक्स में, फिलॉसफी में, साइंस में एडवांसमेंट किए थे। उसके बाद ग्रोथ करीब 2000 सालों के लिए रुक गई किन्हीं कारणों से, और अर्थ उस पीरियड को हम कहते हैं मिडल एजेस, जिनमें चली गई। 16वीं शताब्दी में यूरोप में रेनाइसांस आया। रेनाइसांस मतलब एनलाइटनमेंट, मतलब उजाला। और उसके बाद, उस रिवॉल्यूशन के बाद, हमने अब तब से अब तक कई सारे महान साइंटिस्ट देखे हैं, और हमने साइंटिफिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती हुई देखी है। हमने न्यूटन, गैलीलियो, कार्ल गॉस जो कि बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, और आइंस्टाइन, ऐसे महान लोग देखे हैं। लास्ट फ्यू सेंचुरीज की कुछ डिस्कवरीज की मैं बात करूं तो उनमें से कई बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम लेना भी कम पड़ जाएगा, मैं स्लाइड पे लिखूंगा। तो ग्रेविटेशन की थ्योरी आइजैक न्यूटन ने दी थी, चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बहुत ही अच्छी थ्योरी, वर्क्स आउट वेल, कि इंसान जो है इवॉल्व करता है, मतलब इंसान कहाँ से आया, इसका क्वेश्चन पहली बार चार्ल्स डार्विन ने आंसर किया कि इंसान जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। पहले नदी में मछलियाँ थीं, मछलियाँ चलते चलते बाहर आकर कछुआ बनी, कछुए चलते चलते इवॉल्व होते होते कई सारे स्पीशीज़ में बने, कुछ बर्ड बन गए, कुछ कुछ पेड़ों पर बंदर बन गए, बंदर इवॉल्व होते होते धीरे धीरे पैरों पर चलने वाले बंदर हो गए, जो कि इवॉल्व करते करते ह्यूमन बन गए। ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन मैं कहूँगा कि वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन था, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट फिजिसिस्ट जो हमने देखा है। उसने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, विच जो कि हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, लेकिन एक चीज़ जो, एक आइडिया जो बहुत ही बिजार था, जो मुझे अभी भी बहुत अजीब लगता है लेकिन ट्रू है, कि आप लाइट जिस स्पीड से ट्रैवल करती है, 3 लाख, लगभग 3 लाख मीटर पर सेकेंड, उससे तेज आप नहीं चल सकते। और ये भी बताया कि स्पेस यानी कि XYZ कोऑर्डिनेट, जगह और टाइम, स्पेस और टाइम जो कि हमें लगता था कि अलग अलग चीज़ें हैं, अगर आप किसी चीज़ की लंबाई नाप रहे हो और किसी चीज़ घड़ी से टाइम नाप रहे हो, उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग मेजरमेंट है। लेकिन आइंस्टाइन ने दिखाया कि नहीं, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, अगर आप तेज चलते हो तो आपकी घड़ी धीरे चलती है, इस टाइप की बातें। हमने लास्ट सेंचुरी में स्पेस एक्सप्लोर करने में बहुत एडवांस करे हैं, हम इंसान मून पर कदम रख दिया है, वॉयेजर्स के वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट जो है इतनी दूर जा चुका है, उसने ऑलरेडी सैटर्न, जुपिटर, इन सब प्लैनेट्स की फ़ोटो भेजी हैं, और अब वो ऑलरेडी हमारे सोलर सिस्टम यानी प्लूटो के भी बाहर जा चुका है। और बायोलॉजी में भी ऑफ कोर्स हमने बहुत एडवांस किया है, कई सारे बीमारियां जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, और भी कई सारी बीमारियां जो कि पहले बहुत जाने लेती थी, ऑलमोस्ट अब हट गई हैं, और छोटी मोटी बीमारियां अब हम इतनी दवाइयां आ गई हैं कि ऐसे ही क्योर कर लेते हैं। तो इस सीरीज़ में हम क्या कवर करेंगे? इस सीरीज़ का प्राइमरी मोटिव मेरा ये है कि मैं साइंस को इंटरेस्टिंग करते हुए पढ़ाऊँ और उसको उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बनाऊँ। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। कोई साइंटिस्ट जब किसी प्रॉब्लम पे काम करता है तो वो कुछ क्वेश्चन को आंसर करना चाहता है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम रखी जाती है जिसको वो सॉल्व कर रहा होता है। आजकल स्कूलों में हम
आंसर पढ़ लेते हैं, पर क्वेश्चन क्या था इसकी बात नहीं करते। तो साइंटिफिक थ्योरी के बेसिकली पढ़ना बोरिंग होता है अनलेस कि आप वो क्वेश्चन भी जानो, और वही मैं करूँगा कि मैं ये बताऊँगा पहले कि क्वेश्चन क्या आंसर करना चाह रहे थे वो, और फिर किस तरह वो आंसर पर पहुँचे, किस तरह उन्होंने वो थ्योरी जनरेट बताई। हम उन साइंटिस्ट की भी बात करेंगे जो कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी, उनकी लाइफ के बारे में मे बी, या फिर वो प्रॉब्लम से उस सोल्यूशन तक कैसे पहुँचे। हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल इराटोस्थेनेस की, जो कि 2300 BC आज से करीब 2312 साल पहले उसने ये निकाला था कि धरती गोल है, उसने ये निकाला था कि धरती गोल है, प्लस उसने ये भी मेजर करा था कि धरती का साइज कितना है। आप सोचो, आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, आप कैसे निकालोगे कि धरती का साइज कितना है, रेडियस कितना है धरती का, सोच कर देखना है इसको। न्यूटन एक प्रॉब्लम पर स्टक हो गया था, जो कि बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी, एक बच्चा भी पूछ सकता है कि मैं चीज़ों को धरती की तरफ गिरते हुए देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर मैं पत्थर छोड़ूँ वो गिर जाता है, पेड़ पर से अगर एप्पल गिरता है तो वो भी गिर जाता है, अगर मैं बिल्डिंग से छलांग मारता हूँ तो मैं भी गिर जाऊँगा, तो फिर चंद्रमा क्यों नहीं गिरता है धरती की तरफ, या सूरज क्यों नहीं गिरता है धरती की तरफ। और इसका बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर मिला उसे, और जिसकी मदद और उसी क्वेश्चन को आंसर करने में उसने ग्रेविटेशन फाइंड किया। चार्ल्स डार्विन 5 साल के वॉयज पर गया था HMS बीगल करके एक शिप में, और पैसिफिक में उसने कई आइलैंड्स एक्सप्लोर किए थे। अपने उस ग्रेट जर्नी के दौरान उसने उन्हें कई स्पीशीज़ नोट करी, कई आइलैंड पर गए, वहाँ पर कई लोगों कई सारे जीव जंतुओं को उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने काफ़ी कंक्रीट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, जिसमें उन्होंने ये प्रपोज किया कि सारे चीज़ें एक दूसरे से इवॉल्व हुई हैं, और सारे लाइफ धरती पर एक सिंगल बैक्टीरिया से, सिंगल सेल से इवॉल्व होकर इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है। उस समय ऑब्वियसली लोगों ने थ्योरी को नहीं माना, बट आज ये थ्योरी 100% ट्रू मानी जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑब्वियसली उन्होंने रिलेटिविटी के बारे में बताया, वो ये क्वेश्चन आंसर करना चाहते थे कि आखिर लाइट है क्या, लाइट चलती कैसे है, लाइट की स्पीड क्या है, क्या और लाइट से रिलेटेड अदर फिनोमेना, जिसको कि आंसर करते करते उन्होंने कई सारी चीज़ें और डिस्कवर की। तो दैट्स इट, थैंक यू। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक पर, और ही लेक्चर जल्दी ही रिकॉर्ड होंगे, ये रेफरेंसेज हैं। थैंक यू।